ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था हमारा 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस इग्निटेड इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ना कुछ प्रॉब्लम्स थी नेटवर्क में, इस वजह से कट हो गया, बताइए ना, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ये रिएक्शन लिख दी बेटा हमने, ओके, CH4 प्लस 2O2 बैलेंस कर दिया। अगर हम इसमें वॉल्यूम का रिलेशनशिप करें, मोल्स, इसके 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम का, तो यहां कितना 22.4 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना 2 × 22.4 लीटर, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसका वॉल्यूम 2 × 22.4 लीटर। अब हमें पूछना है कि सब इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, अब 22.4 लीटर में CO2 के कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है, 22.4 लीटर मीथेन प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ मोल कितना, 1। 1 लीटर की बात करेंगे हम यहां पर, तो ये हो गया 1/22.4 लीटर, और पूछा कितना 5.6 के अंदर, 5.6 की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 1/22.4 × 5.6, आंसर आ गया लीटर। अगर ये लीटर में है तो आंसर आना चाहिए आपका लीटर में, अगर ये मिलीलीटर में है तो आंसर आना चाहिए आपका मिलीलीटर, नोट कर लेना बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP ऑब्टेन्ड by burning 500 gram sulfur containing 4% sand by weight, containing 4% sand by weight बेटा, ओके, फिर से देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है किसका, यहां देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ऑफ 500 ग्राम सल्फर कंटेनिंग 4% sand। अब टोटल मास सल्फर का कितना दे रखा है, 500, उसका 4% उसमें क्या है, मिट्टी, और मिट्टी तो किसी से रिएक्ट करती नहीं बेटा, तो मिट्टी निकाल देते, रिएक्शन सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, SO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, और वॉल्यूम निकाल ले, सल्फर का मास 32 ग्राम, ऑक्सीजन का ये भी 32 ग्राम, इसका मास, इसका 32 और प्लस 32, 64 ग्राम, एक तो मास आ गया, दूसरा वॉल्यूम, ये तो रैंक मास में, सल्फर क्या हो गया 22, ये वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये भी हो गया 22.4 लीटर। अब देखो 32 ग्राम सल्फर में कितना CO2 का वॉल्यूम मिलता है, 22.4 लीटर, 500 नहीं,
क्योंकि 500 के अंदर क्या है, 4% क्या है, मिट्टी। इसको निकाल दें हम पहले, ओके, इसको हम निकाल देते हैं अलग से। तो 32 ग्राम सल्फर प्रोड्यूस्ड, 32 ग्राम सल्फर प्रोड्यूस्ड क्या, CO2 22.4 लीटर, ओके, 22.4 लीटर। एक ग्राम 22.4 upon 32, 500 नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि 500 में से 4% पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिट्टी अलग करना पड़ेगा, कि मिट्टी तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। तो बेटा इधर हम साइड में लिख लें, टोटल 4% 4 upon 100 हो गया, इनटू में 500 ये निकाल देते हैं, तो ये आ गया 520 ग्राम। तो टोटल मास था 500 ग्राम और मिट्टी का मास हो गया 20 ग्राम, तो ये बचा आपको 480 ग्राम। कितना बचा बेटा, 480 ग्राम। उधर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर बता देता हूँ बेटा, एक बार यहाँ देखो साइड में, मान लो हमारे पास 4% सैंड, 4% सैंड ऑफ 500 सल्फर, 4 upon 100 into 500, यानी 20 ग्राम मिट्टी है, तो ये कितना बच गया, 480 ग्राम सल्फर। कितना बच गया, 480 ग्राम सल्फर बच गया। कितना, 480 ग्राम। तो यहां क्या यूज होगा, 480 ग्राम सल्फर कंटेन 22.4 अपॉन 32 इंटू 480। ध्यान से देखना, क्योंकि मिट्टी तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती ना बेटा, तो मिट्टी की तो कहानी नहीं है, क्योंकि मिट्टी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। डन, एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स का, अच्छे से नोट करना बेटा। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 6, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, how many moles of NO2 produce, moles of NO2 produce 7.33 mole of HNO3 in chemical reaction, HNO3 in chemical reaction। तो सबसे रिएक्शन आपको गिवन है बेटा, तो रिएक्शन है 3NO2 प्लस H2O गिव्स 2HNO3 प्लस N, रिएक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करें और फिर करें। कोशिश खुद करने की करें बेटा, सबसे पहले ओके कराएं। देखो सबसे पहले रिएक्शन देखो, बैलेंस करें उससे, हम बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना है हमें, 3NO2 प्लस H2O, शायद ये पूरी बैलेंस है, ये सारी बैलेंस। किसका क्या पूछा है इसमें, मोल पूछा है, तो मोल का ही रिलेशनशिप लेंगे, इसके कितने मोल, 3 मोल, इसका कितना मोल, 1 मोल, इसका कितना मोल, 2 मोल, इसका कितना मोल, 1 मोल, इसका और इसका रिलेशनशिप है, यानी 2 मोल ऑफ HNO3 प्रोड्यूस
कितने मोल ऑफ एन टू? थ्री मोल. टू मोल ऑफ एच ऑन नो थ्री प्रोड्यूस एन नो टू मोल. दो एन ओ टू मोल कितना? सॉरी बेटा तीन. एक मोल एच एन ओ थ्री प्रोड्यूस हाउ मेनी एन मोल ऑफ एन ओ टू? थ्री बाय टू. अब एच एन ओ थ्री का कितना दे रखा है? 7.33 मोल. इसमें बताना है कितना 7.33 मोल में कितना प्रोड्यूस होगा ये बताना है. तो 7.33 की बात करें, 7.33 मोल ऑफ एच एन ओ थ्री प्रोड्यूस एन ओ टू 3/2 इंटू 7.33 सोल्व करना है इसे. और इसको सोल्व करके इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे. इसका आंसर आएगा लगभग 10/9 मोल. चेक कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, इस पैटर्न में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो किस पर बेस्ड हैं? सभी स्टिकोमेट्रिक. टू मेजर एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल मास वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आते ही हैं इसके ऊपर, अच्छे से अपनी तैयारी कर. ओके बेटा ध्यान से पढ़ना है, और ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, और ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करनी है आप. ओके थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.